आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक पात्र के छिद्र में 5 सेकंड में 1 mH2 गैस मिश्रित हो जाती है। समान परिस्थितियों में निम्न में से कौन सी समान आयतन के मिश्रित होने में इंगित समय लेगी। ठीक है, ओके। इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है, तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है, चौथा ऑप्शन ये दे रखा है। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले मिश्रित होने की जो दर होती है उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता है ग्रहम का विसरण नियम क्या था। ग्रहम का विसरण नियम दोस्तों ये था कि ग्रहम का विसरण नियम कहता था कि किसी गैस के मिश्रण की दर, मान लिया R, किसके प्रोपोर्शनल होती थी, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। ठीक है, ओके, मतलब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारा वर्गमूल होता है वो किसके अणुभार के व्युत्क्रमान, अणुभार के जो है समानुपाती होता है, जो घनत्व होता है। ठीक, मतलब घनत्व इक्वल टू गैस का अणुभार। ठीक, ओके। तो दोस्तों हम आर को किसके प्रोपोर्शनल लिख, मतलब रेट जो थी उसको प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/m। ठीक, ओके, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको तो याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ग्रहम का विसरण नियम क्या है, एक ये। ठीक, और मैं प्लस साथ में पूरा क्वेश्चन बताने के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे निश्रण की दर होती क्या है। निश्रण की दर हमारी क्या हो जाएगी, किसके निश्रण की दर हमारी हो जाएगी, निश्रण की दर। ठीक है, अब पहले तो निश्रण की दर समझने से पहले आपको पहले निश्रण बता दूं। निश्रण का मतलब ये है कि किसी गैस का छोटे छोटे छिद्रों से निर्वात में जाने की दर को क्या कहते हैं, निश्रित होना। ठीक है, तो निश्रण की दर हमारी क्या होगी, कितनी गैस कितने समय में निर्वात में जा रही है। तो पहले आप क्या लिखोगे, निश्रित गैस की मात्रा क्या, निश्रित गैस की मात्रा, बिल्कुल, निश्रित गैस की मात्रा बटे समय। ठीक, लगने वाला समय। ठीक है, तो बिल्कुल लिख दोगे, लगने वाले समय को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, समय केवल। ओके ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया निश्रित गैस की मात्रा, लगने वाला समय। ओके ठीक है, अब दोस्तों देखो H2 के लिए हमारे निश्रण की दर, मतलब हमने मान लिया हमने R1। ठीक, ओके, R1 हमारा क्या दे रहा है कि X जो गैस है, ठीक, वो कितने 5 सेकंड में, ठीक, जो है निश्रित हो रहा है। तो मतलब इसके निश्रण की दर क्या हो गई हमारी, निश्रण की दर हमारी किसके लिए, H2 के लिए हमारी क्या हो गई, ये हमने R1 मानी है, तो ये हमारी कितनी आ गई, इतनी। ओके ठीक है, अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि समान परिस्थितियों में निम्न में से कौन सी गैस समान आयतन के निश्रित होने में इंगित समय लेगी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे देखो इंगित समय लेगी, तो देखो समान आयतन में मतलब उसकी मात्रा समान रहे और जो है कितना समय लेगी, तो मतलब हमने इसको मान लिया क्वेश्चन 1। अब हम बारी बारी से सब कुछ चेक करते हैं अपने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ओके, अब जैसे ये हमने माना, तो अगर 10 सेकंड हीलियम के लिए आप मानोगे उसकी मात्रा क्या समान आयतन बोला, मतलब मात्रा समान ही रहेगी, मतलब मात्रा एक साथ ही लेके चलोगे, तो हमने हीलियम के लिए, मतलब पहला हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो हमने हीलियम के लिए माना, ठीक, पहला ऑप्शन हीलियम के लिए माना। ठीक है, तो हीलियम की मात्रा क्या हो गई x, तो मतलब R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटे समय कितना दे रहे हैं, 10। ठीक, ओके, बिल्कुल, अब जब x बटे 10 दे रहे हैं तो हमें चेक करना हो, सॉरी 10 सेकंड बता रहे हैं, हाँ ठीक है, अब इतना समझते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर से क्या दे दिया, 2। ठीक, बिल्कुल, अब इसे हम क्या करेंगे, R1/R2। ठीक, बिल्कुल, तो R1/R2 हमारा क्या आएगा, x/5। ठीक है, ओके, और ये ÷ x/10। ठीक, ये किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट व्युत्क्रमानुपाती अणुभारों के होता है, तो अंडर रूट हीलियम का अणुभार, मतलब HE। ठीक है, ओके, फिर क्या आ जाएगा हमारा H2। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम, तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये ऐसे आएगा x/5/x/10। ठीक है, ओके, इक्वल टू MHE कितना होता है, MHE भाई हमारा कितना हो जाएगा, MHE केवल हीलियम का अणुभार कितना हो जाएगा, हीलियम का अणुभार भाई हमारा हो जाएगा 4। ओके ठीक है, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का अणुभार हमने 2 माना। ओके ठीक है, अब ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा ये क्या 10/5। ओके ठीक है, 10/5 क्या 5 इसके इक्वल आ रहा है, आप बताओ मुझे, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ठीक, बिल्कुल,
हमारा 10/5 देखो हमने माना, तो क्या हमारा 10/5 मतलब ये तो 2 आ जाएगा, 2 और क्या अंडर रूट 2 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत। ठीक, बिल्कुल। अब हमारी बारी है दूसरा ऑप्शन चेक करने की, ठीक है। ओके, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर आ जाएगा जिसमें, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो हम क्या, हम मान लेते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए, क्या दूसरे ऑप्शन के मैं R3 मान लेते हैं, R3 इक्वल टू भैया आयतन समान मतलब मात्रा समान होनी चाहिए, कितना समय बता रहे हैं, 20 सेकंड बता रहे हैं वो, ठीक है, बिल्कुल हमने ले लिया। इसे क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसी तरह हम फिर किए, क्या किए, R1 डिवाइड बाई R3 इक्वल टू क्या, R1 हमारा कितना है, x/5 डिवाइड बाई x/20, ठीक ये हो गया। अब इसको जो हमारा R1 डिवाइड बाई R3 आएगा, ये और किसके बराबर है, इनके भैया अणुभारों, मतलब ये देखो ये हमारा किसके लिए था, x/5 हाइड्रोजन के लिए था, मतलब अणुभारों के वर्गमूल के विद्युत अनुपाति होता है, मतलब MO2 ऊपर आएगा और MH2 नीचे जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, ये MO2 कितना होता है, हो जाएगा 32 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। MO2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और MH2 कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, MH2 2 हो जाएगा, ठीक बिल्कुल। जब इससे अब इसको मतलब देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज, क्योंकि R1/R3 इतना है, R1/R3 इतना है, तो दोनों को इक्वल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, x/5 डिवाइड बाई x/20 इक्वल टू ठीक अंडर रूट 32/2। अब चेक करना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल चेक करते हैं हम। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, 20/5 इक्वल टू अंडर रूट ठीक है 16। अब जब इसे चेक करें तो आपका 4 इक्वल टू 4, मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, सही, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही, बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना ये ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं और इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह से देखो हमारा ऑप्शन आ गया, लेकिन जब इन तीनों को चेक, दोनों को चेक करोगे तब भी आपका जो है ये चीज जो लास्ट में निकल के आएगी, मतलब ये मतलब जो ये चीज है ये निकल के आएगी, ये इक्वल नहीं आएंगी, जिसमें इक्वल आ गया वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी देखना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम और किसी तरह से बना भी नहीं सकते थे, हमें ये चीज पता थी तो हमने वहां से बना लिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक तरह का और, एक तरीके से और बना सकते थे, क्या बना सकते थे आप बिल्कुल ऐसे कर दो, वो कितना x/5 कर सकते थे, ठीक ओके, और इनटू क्या दूसरे के लिए जब करोगे, मतलब ये डिवाइड बाई ठीक, तो आप टी मान लेते x/t निश्चित होने वाला समय, ठीक, और देख लेते किस गैस के लिए टी की वैल्यू जो है बराबर आएगी, लेकिन उससे आप बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है, आप ऑप्शन चेक करिए, देखिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, आपका आराम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देखो आराम से सॉल्व हो गया हमारा, दूसरा ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे हमारा क्या सिक्योरिटी है कि आंसर सही आने की, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा कौन सा, हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो आपसे विसरण की दर भी पूछ लेते, तो विसरण की दर देखो, ग्राहम का निसरण का नियम, जो विसरण का नियम है एक ही तरह है, जो निसरण की दर होती है वो, सॉरी विसरण की दर वो भी क्या होती है, मेरे घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो हमने इस आर को क्या दे दिया, विसरण की दर, ठीक है। तो ये हमारा आर किससे रिलेटेड है, हमारा विसरण की दर से रिलेटेड। तो आप कभी भी पूछे तो आप उससे कंफ्यूज मत होना कि निसरण की दर पूछ दिया, विसरण की दर पूछ दिया, दोनों भाई वर्गमूल के क्या होते हैं, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।